अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान, इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। विराजमान जितने भी प्रांगण में जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं भक्ति स्वरूपा माता अनुसुईया स्तुति सावित्री जैसे पतिव्रत धर्म में पढ़ने वाली मातृशक्ति माताएं बहनें, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महान भाव, आपके बीच में सभी अच्छे अच्छे कलाकार पधारे हैं, बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं, एक से बढ़कर के एक कलाकार है। लेकिन कहते हैं सभी कलाकारों की अपनी अपनी गायकी अलग अलग होती है, तरीका अलग अलग होता है। आइए सुनिएगा, कवि ने चार पंक्तियों में लिख दिया है, क्या लिखा है गौर दीजिएगा। रहस्य रहस्य साथ उसके प्रेम रस पीजिए, टेढ़ी गति चले बासे चौगुनी सी टेढ़ी, चलो भूल के उफेर बा को नाम मत लीजिए, के नर तो वही प्यारी होए, जो आपको न चाहे बाके माथे धूल दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि सभी झिकड़ी सुनने वाले श्रोता बैठे हैं, सभी को पता है झिकड़ी की जहां से शुरुआत होती है साखी से, आइए उसी मर्यादा को बनाते हुए साखी से ही शुरुआत करेंगे। इस मनुष्य को हमारे कवियों ने, हमारे सदग्रंथों ने, हमारे संतों ने समय समय पर उपदेश संदेश दिया है। अरे प्राणी, यह मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है और बहुत छोटा जीवन होता है। इस जीवन में, इस संसार में आप आए हो तो कुछ अच्छा कर्म कर लो, कुछ इस ईश्वर का भजन कर लो। लेकिन यह मनुष्य इस जीवन को ऐसे ही वृथा गवा देता है नाना प्रकार के कुकर्मों में। लेकिन कवि लिख रहा है, सुनिएगा क्या कहा है। यदि हो क्यों है
कर भुगुमा प्रसंग नहीं जो आपने अपने कानों द्वारा दो चार बार नहीं सुना हो, लेकिन अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे कहां। कृपाचार्य की एक बहन थी जिसका नाम था कृपी। आहा बंधुओं, कृपी की शादी द्रोणाचार्य जी के साथ में कर देते हैं। आप कृपी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। लेकिन आज कृपी के आंचल में दूध नहीं है अपने पुत्र को पिलाने के लिए। इसलिए अपने स्वामी से बार बार निवेदन किया, स्वामी
आप मेरे पुत्र के लिए दूध की व्यवस्था कीजिए। आहा बंधु, द्रोणाचार्य कहते हैं आप क्यों चिंता करती हो? अरे मेरा एक मित्र है जिसका नाम है द्रुपद, जो कि राजा है। मैं अपने मित्र के पास में जाऊंगा और वहां से आपके लिए, आपके पुत्र के दूध के लिए एक गाय लेकर के आऊंगा। आहा, ऐसा मन में जब विचार किया द्रोणाचार्य जी ने, अपने मित्र के पास में जा रहे हैं, कविराज अर्थ में रख रहे हैं, मन में मगन चलो फिर द्रोणा। अरे मन में मगन चलो फिर द्रोणा, भूप द्रुपद ढिंग आयो है। अरे गुरुकुल की जाने बात करी और बचपन याद दिलायो है। सो द्रोण कहे सुन द्रुपद भैया, द्रोण कहे सुन द्रुपद भैया, यारई को फर्ज निभा दे और एक गाय दूध की गाय दे। जाकर के अपने मित्र से निवेदन किया, आज मुझे आपसे आवश्यकता आ पड़ी है, मुझे एक गाय की जरूरत है। आहा बंधुओं, जब जाकर के अपने मित्र से निवेदन किया, वो मित्र क्या जवाब दे रहा है, क्या सुनिएगा, क्या लिख दिया भैया। प्रतन डारे और सुनो, अरे तेरे जैसे, अरे तेरे जैसे और जे भिक मंगारे मेरे रोज खाते नहीं। जब ऐसा जाकर के कहा, राजा द्रुपद ने अपने मित्र का अपमान कर दिया, कह दिया अरे मुझे यार कहता है, मुझे मित्र कहता है। मन में विचार कर, तेरी और मेरी बराबरी क्या है जो तू मुझे मित्र कहता है? अरे तू कहां भिखारी और मैं एक राजा। हाँ, ऐसा कहकर के आज मित्र का अपमान कर दिया। अरे भारे विप्रतन डारे और तेरे जैसे भिक मंगा मेरे रोज खड़े रहे द्वारे। और ये 20-20 रुपए 10-10 रुपए का पुरस्कार हमें प्रदान हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी के लिए। कहा है अरे यार बताए कि मोए लाज नहीं, आहा तुझे शर्म नहीं आती तू मुझे मित्र कहता है? अरे सोच, तू एक भिखारी है और मैं एक राजा हूं। यार बताए कि तो विप्र नहीं, यार बताए कि तो लाज नहीं, विप्र देखिए आवे। अरे यार बताए कि मोए लाज नहीं, तो विप्र न के आवे। एक गैया कहे तो ब्राह्मण क्या क्या ढोंगी रचावे, एक गैया कहे तो ब्राह्मण क्या क्या ढोंगी रचावे। बंधुओं,
समय के अनुसार लोगों की प्रवृत्ति, दिल दिमाग सब बदल गया है। तो लिखा है सुनिए, अरे आज की मैया बहु बेटन के अरे आज की मैया बहु बेटन के सवरे ताने सहलेगी, अरे आज की मैया बहु बेटन के सवरे ताने सहलेगी, और अरे आज की मैया बहु बेटन के कोई सवरे ताने सहलेगी। और कहा है अगर सासू मां सारी बातों को सहन कर ले बहू की, घर में रह करके काम करे तो ही निभ सकती है, अन्यथा रोटियों के भी लाले पड़ जाते हैं। अरे आज की मैया बहु बेटन के सवरे ताने सहलेगी, अरे सास करेगी, सास करेगी बहु की सेवा तो साधे में रह लेगी, सास करेगी बहु की सेवा तो साधे में रह लेगी। अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं, क्योंकि आजकल इस समाज में यह देखा जा रहा है, ज्यादातर शहरों में देखा है और आजकल तो गांव में भी यही मिलता है कि बच्चे मां बाप की सेवा नहीं करते, बेचारे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। अरे बूढ़े बड़े, हाँ बूढ़े बड़े बाप दादे घर और कोई भूखे प्यासे जी रहे हैं, उनके बेटा चौराहे पे खुल की बहुआ पी रहे हैं, उनके बेटा चौराहे पे खुल की बहुआ। सारा है गीत के लिए, एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि अभी मैंने उपदेश में बताया, आज के समाज में बड़ी कुरूतियां फैली हुई हैं, क्योंकि कई जगह तो हमने अपनी आंखों से देखा है, जो मां बाप जिन बेटों को पाल पनास करके बड़ा करते हैं, एक सपने सजाते हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा होगा शादी रचाएंगे, और जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आएगा तो ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, हमारी लाठी बनेगा। लेकिन उनके जितने भी अरमान हैं वो रखे के रखे रह जाते हैं, जो सपने सजाए थे वो सारे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। एक इसी से मिलता जुलता गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत दिन पहले एक भजन गायक कुमार बिसू ने एक गीत गाया था, एक भजन गाया था, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, और कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, तो बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। और ये सच बात है, लोग ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, परिक्रमा लगाने जाते हैं गोवर्धन 84 को, लेकिन कभी ये विचार नहीं किया
जो घर में माँ बाप हैं उनसे बढ़कर के कोई नहीं है, क्योंकि भगवान का दर्जा दिया है। जो माँ बाप की सेवा करते हैं उन्हें तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं होती। कहा आइए कवि जो लिखना है सुनिएगा अब। हो के सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से के सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और सुनिए वास्तविक अगर आने वाली पंक्ति आपके दिल को छू जाए तो केवल तालियों का प्यार और सम्मान चाहूंगा। यहां पर मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं, गौर दीजिएगा के सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे, घर पे मैया ये भूखी। देखिए अभी माता रानी के नवरात्रे निकल करके गए हैं और आपने देखा होगा हजारों भक्त उस माँ के दरबार में जाते हैं, हजारों भक्त माँ की प्रतिमा अपने गांव में अपने घरों में अपने मोहल्ले में लेकर के आते हैं, उनकी सेवा पूजा नौ दिन करते हैं, चूनर चढ़ाते हैं। लेकिन सुनिए के घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे, घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे, तो माँ पे चूनर चढ़ाने से मैया ये भूखी बिलखती रहे। और कहा है जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, के जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये तूने जाना नहीं। हो निज जननी के तनों पे है धोती फटी, आहा अपनी माँ की धोती फटी है और उस देवी माँ के ऊपर चूनर चढ़ाने के लिए जा रहा है। आप बताइए जब माँ घर में भूखी प्यासी बैठी हो और उस माँ को मनाने जाए तो क्या वो माँ कभी खुश हो सकती है? नहीं, वो माँ कभी खुश नहीं हो सकती आपसे। इसलिए कहा है निज जननी के तन पे है धोती फटी, तो माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा, और घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे, घर पे मैया ये भूखी
बिलखती रहे तो संत ब्राह्मण जी माने से। संतोष सेन रेटा निवासी हमें प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गौर दीजिए घर पे हो घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे तो संत ब्राह्मण जी माने से। समझता हूं समय सबके लिए बराबर है, आप कहें तो मैं यही विराम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। क्योंकि मेरे यहां पर नौजवान भाई बैठे ही, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे ही, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं दो कड़ी और है मात्र, इन शब्दों पर गौर दीजिए, शायद आपको कुछ मिले। सुनिएगा, चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, क्योंकि एक माँ बाप जो भगवान की मूर्ति से पढ़कर के सामने बैठे हैं चलते फिरते, इसीलिए कहा है चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता काहे संसार में हो। और सुनिए, पिता पानी को घर पे तरसते रहे, पिता पानी को घर पे तरसते रहे तो शिव पे कावर चढ़ाने से क्या फायदा। हजारों लोग गंगा जी से कांवर लेने के लिए जाते हैं, गंदी गंदी बातें बकते हैं रास्ते में, कुछ लोग शराब भी पीते हैं, कांवर लेकर के आते हैं, जल चढ़ाते हैं भोले बाबा पर, इधर पिता पिता भूखा प्यासा घर पे तड़फता रहता है। बताओ उस कांवर से उस जल से वो भोले बाबा प्रसन्न हो सकते हैं क्या? नहीं। घर पे प्यासे पिता तेरे तरसते रहे तो शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। अंतिम बंद, और इस बंद में इस गीत का निचोड़, इस गीत का सार दिया है, आइए सुनिए। इंसान तूने तजी क्यों शर्म, और इस गीत में ऐसे मान लो जैसे कवि ने कलम को तोड़ दिया हो, क्योंकि इस गीत का जो सार है आजकल इस कलयुग में प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, हम देखते हैं कई घरों में कई जगह पर देखा है। वारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धा आश्रम। हो हो क्योंकि आजकल माँ बाप की तो बहुत ये समझ लो मट्टी खराब है, जो पैसे वाले बनते हैं ना
उनके घरों में मैंने देखा है उनके नौकर माँ बाप की सेवा करते हैं, वो खुद उनकी सेवा नहीं कर सकते और उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में जाकर के रहते हैं। वारे इंसान तूने तजी क्यों शरम, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, राम गुरु ज्ञानी पाने से क्या फायदा, निज जननी के तन पे है धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा, घर पे मैया ये भूखी तड़पती रहे तो संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा।